जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद। दुनिया में जहां 370 के लिए रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन लगातार इसका विरोध कर रही है। अमर अब्दुल्ला तो सुप्रीम कोर्ट चले गए कल। देखिए, किसी को भी कहीं जाने का अधिकार है। मैं हमेशा जो मैंने संसद में कहा था, मैं यहां भी कहूंगा, 70 साल में क्या खोया क्या पाया। आज अगर कश्मीर की एक मुस्लिम बेटी भी कश्मीर के बाहर के मुस्लिम युवक से शादी करती है तो सारे संपत्ति से उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। जम्मू की बेटी भी करती है तो समाप्त हो जाता है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कानून है कि वहाँ पर बाल विवाह का कानून लागू था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कानून नहीं लागू था? ये बड़े सवाल हैं कि नहीं। और लद्दाख के साथ क्या नाइंसाफी की गई? तो 70 साल में 370 नाइंसाफी का एक प्रतीक बन गया था, कुछ लोगों के द्वारा दुरुपयोग करने का माध्यम बन गया था। आज वहाँ पर गुजर हैं, वहाँ बकरवाल हैं, वहाँ पर आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता है। कभी नहीं भूले इस बात को आप। हमारी सरकार अब सबको सम्मान देगी, क्या हमारे अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, नौजवान हों, बाहर से उद्योग जाएंगे, पूंजी निवेश होगा, विकास होगा। और जो सियासत करते हैं उनको करने। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये जीत नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का सम्मान है। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है और उस मुकुट को हम ऊंचे स्थान पर पहुंचाएं। धन्यवाद। चलिए कांग्रेस की सर।